हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, अपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रकाश संश्लेषण टॉपिक चल रहा है और उस टॉपिक में आज आपको मैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण के बारे में समझाऊंगा कि ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इसमें अपन पढ़ेंगे चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, ठीक है बेटा। और एक बात आपने जहाँ तक देख लिया होगा कि अपने सिलेबस के अंदर जो 42 लेसन थे, अपने लेसन के अंदर मींस किताब के अंदर जो टोटल 42 लेसन थे, उनमें से 14 लेसनों को बिल्कुल रिमूव कर दिया है, ठीक है बेटा। और आपको मैं बताऊंगा, कल के वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से 14 पाठों को अपन ने मींस सरकार के द्वारा हटा दिया गया है, ठीक है। एक और बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि अपन ने 1 से 13 तक के जो लेसन वीडियो पर पढ़े हैं, ठीक है बेटा, उनमें से लेसन नंबर 1, उसके बाद लेसन नंबर 5 और बेटा नाइट्रोजन उपापचय वाला लेसन, इसकी मुझे संख्या याद नहीं है, लेकिन जो ये नाइट्रोजन उपापचय का लेसन है ये हटा दिया है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 10 लेसन जो अपन ने वीडियो में यानी कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़े हैं, है ना, वो 10 के 10 लेसन आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। अब जल्दी ही आपके स्कूल खुलने वाले हैं तो सबसे पहले अपन इन्हीं 10 लेसनों को क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं क्लास 12th, पाठ का नाम अपने चल रहा है प्रकाश संश्लेषण, और इस टॉपिक के अंतर्गत आज जो अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ये पढ़ना है बेटा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत सरल प्रक्रिया है, नाम से ही पता चल रहा है। देखो बेटा, फास्फोरिलीकरण का मतलब तो क्या होता है, एटीपी का निर्माण होना। आप ये भी जानते हैं कि एटीपी का निर्माण किस प्रकार होता है। एटीपी का जो निर्माण होता है बेटा, वो एडीपी में अकार्बनिक फास्फेट के जुड़ने से होता है, ठीक है। और बेटा, इस क्रिया में यदि प्रकाश की उपस्थिति हो तो इस प्रक्रिया को अपन फोटोफास्फोराइलेशन बोल देंगे, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी में अकार्बनिक फास्फेट के जुड़ने से एटीपी का निर्माण होना फोटोफास्फोराइलेशन कहलाता है। इसी प्रक्रिया के फिर अपन दो प्रकार, या यूं कह दो चरण, चक्रीय प्रक्रम और अचक्रीय प्रक्रम, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ठीक है। तो देखिए, मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं हरित लवक में प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग कर, प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग कर, ठीक है, एडीपी
एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में आईपी का मतलब बेटा अकार्बनिक फास्फेट के जुड़ने से एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का निर्माण होना। प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। तो ये बेटा इसकी परिभाषा हो गई। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप देख लीजिए कि हरित लवक में प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग कर एडीपी में अकार्बनिक फास्फेट के जुड़ने से एटीपी का निर्माण होना क्या कहलाएगा बेटा? प्रकाश फास्फोरिलीकरण। इसको अपन एक छोटी सी समीकरण द्वारा भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने एडिनोसिन डाईफॉस्फेट यानी कि एडीपी और ये मैंने अकार्बनिक फास्फेट लिख दिया, ठीक है। अब अपन इस क्रिया को बेटा प्रकाश की उपस्थिति में करवा देते हैं और यहाँ पे अपन लिख देते हैं एटीपी। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है ये प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्रिया को दर्शाती है, ठीक है। आगे चलिए। इस क्रिया की खोज ऑर्नोन व उसके साथियों ने 1954 में की। किसने की बेटा? ऑर्नोन व उसके साथियों ने। कब की बेटा? 1954 में, ठीक है ना। आगे चलिए। प्रकाश फास्फोरिलीकरण के दो प्रकार, अभी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो अपन पढ़ेंगे बेटा चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और दूसरा अपन पढ़ेंगे बेटा अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो देखो बेटा, बोर्ड पर आपको मैंने तीन चीज स्पष्ट कर दी। सबसे पहले तो फोटोफास्फोराइलेशन की परिभाषा, ठीक है। परिभाषा के बाद में बेटा उसकी इक्वेशन मीन्स रिएक्शन। इस प्रक्रिया की खोज किसने की? ऑर्नोन और उसके साथियों ने 1954 में की। और इसके प्रकारों के नाम कौन कौन से प्रकार लिखे हैं बेटा बोर्ड पे? चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और दूसरा प्रकार कौन सा है? अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। ये अपना पहला प्रकार लिख दिया मैंने, ठीक है। इस प्रक्रिया में केवल पीएस फर्स्ट भाग लेता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीएस फर्स्ट भाग लेता है केवल। सबसे पहली इम्पोर्टेंट लाइन तो ये हो गई बेटा। आगे चलिए। पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र P700। देखो बेटा ध्यान से देखना, पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र होता है P700, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभिक्रिया केंद्र, ठीक है। पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र P700 प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो बेटा ये प्रकाशीय ऊर्जा का फोटोन के रूप में अवशोषण करता है और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीएस फर्स्ट, ठीक है। आगे चलिए।
एक बार वापस से कह रहा हूँ, पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र पी 700 प्रकाशीय ऊर्जा का फोटोन के रूप में अवशोषण कर उत्तेजित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। यह इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों जैसे AFES, ध्यानपूर्वक सुनना, अब आपके सामने इलेक्ट्रॉन ग्राहियों की एक श्रृंखला मैं लिखूंगा, AFES, फेराडोक्सिन, ठीक है ना, और यहां से बेटा साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B6, उसके बाद में साइटोक्रोम F, और उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन। सब जगह अपन को इलेक्ट्रॉन लिखना है, क्योंकि ये जो श्रृंखला अपन ने यहाँ पे लिखी है ये इलेक्ट्रॉन ग्राहियों की श्रृंखला है। प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ पुनः P700 पर लौट आता है, ठीक है बेटा। चूंकि एक मिनट ध्यानपूर्वक दोबारा से, ये जो प्रोग्राम चल रहा है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ध्यान से समझना, पेपर में आ सकता है और आता रहता है और आपके अब सिलेबस में भी है, तो देखें। देखिए बेटा, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, सबसे पहली बात तो आपको इसमें ये बतानी है कि बेटा इसके अंतर्गत केवल और केवल पीएस फर्स्ट भाग लेता है, पीएस फर्स्ट भाग लेता है, ठीक है। अब दूसरी बात पे आइए, ध्यान से सुने। देखो, पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र P700 है, ये प्रकाशीय ऊर्जा को फोटोन के रूप में अवशोषित कर उत्तेजित हो जाता है, ठीक है, और बेटा उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, है ना। ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों, कौन कौन से मैंने बोर्ड पे लिखे, AFES, फेराडोक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ पुनः P700 पर आ जाता है। इसीलिए इसे चक्रीय फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि P700 से उत्सर्जित हुआ इलेक्ट्रॉन पुनः P700 पर आ जाता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि P700 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ पुनः अभिक्रिया केंद्र P700 पर आ जाता है, ठीक है। इसी कारण इसे क्या बोलेंगे, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। आगे चलिए, इलेक्ट्रॉन के इस चक्रीय अभिगमन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 एवं साइटोक्रोम F के मध्य स्थानांतरित होता है, ये साइटोक्रोम B6 रहा, ये साइटोक्रोम F रहा, तो इस स्थान पर बेटा ADP में अकार्बनिक फास्फेट के जुड़ने से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने पूरा का पूरा आपकी किताब में, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो मैं भी दो लिख देता हूँ, एक से भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपके सामने चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया मैं बना चुका हूँ, एक बार आप ध्यानपूर्वक देख लें। मैं इसके सारे इम्पोर्टेंट बिंदुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो देख लीजिए बेटा कि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्रिया में केवल पीएस फर्स्ट भाग लेता है, बिंदु नंबर एक। बिंदु नंबर दो पर आइए, पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र P700 प्रकाशीय ऊर्जा को
क्वांटा अथवा फोटोन के रूप में अवशोषित कर उत्तेजित हो जाता है, ठीक है ना, और उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करता है। और बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों जैसे AFES ऐसे ही बोलना पड़ेगा, फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ पुनः P700 पर आ जाता है। अब यहीं पर आपको बताना पड़ेगा कि चूंकि इस प्रक्रिया के अंतर्गत अभिक्रिया केंद्र P700 से उत्सर्जित हुआ इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ पुनः P700 पर आ जाता है, अतः इस प्रक्रिया को चक्रीय फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। एक और तीसरी और अंतिम बात, और उसमें आप ये बोलोगे कि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्रिया में साइटोक्रोमों के मध्य आप देख सकते हैं साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य ADP में अकार्बनिक फास्फेट के जुड़ने से ADP में अकार्बनिक फास्फेट के जुड़ने से ATP का निर्माण खत्म हो जाता है, मीन्स हो जाता है। तो ये आपको मैंने चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया समझा दी, ठीक है बेटा। और अब अपन कहानी शुरू करते हैं अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए बेटा, इस अभिक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे पहले अपन ने लिखा था चक्रीय में कि केवल PS फर्स्ट भाग लेता है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत बेटा दोनों प्रकाश तंत्र या दोनों वर्णक तंत्र PS फर्स्ट और PS सेकंड प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अगली बात पे आइए, जल के प्रकाशीय अपघटन से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन PS सेकंड के अभिक्रिया केंद्र द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो बेटा PS सेकंड का अभिक्रिया केंद्र क्या होता है, P680, है ना, और यहाँ पर अपन जल के फोटोलाइसिस की क्रिया लिख देंगे। क्या क्रिया थी, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, प्लस हाफ O2 ये थी। तो ये अपन तीर का निशान यूं भी लगा देंगे। आपने कहा है कि जल के प्रकाशीय अपघटन से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन्स PS सेकंड के अभिक्रिया केंद्र, ये PS सेकंड का मैंने अभिक्रिया केंद्र लिख दिया, किसका बेटा, PS सेकंड का, यहां मैं ऊपर कह देता हूं, ठीक है ना। आगे चलिए, अभिक्रिया केंद्र P680 से उत्सर्जित, देखो बेटा ये भी ना प्रकाशीय ऊर्जा का क्वांटा अथवा फोटोन के रूप में अवशोषण करता है, और अवशोषण करने के पश्चात उत्तेजित हो जाता है। ये अपन ने उत्तेजित कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करता है, तो अभिक्रिया केंद्र P680 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ये प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, कौन, फियोफाइटिन, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन एक रेखीय पथ द्वारा प्लास्टोक्विनोन और उसके बाद आगे बढ़िए, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, एक मिनट रुकिए, इसके पैरेलल में यहाँ पे मैं PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र P700 लिख देता हूँ, ठीक है। साइटोक्रोम F,
फियोफाइटिन, प्लास्टोकिनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और PC प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ वर्णक तंत्र फर्स्ट के अभिक्रिया केंद्र P700 पर पहुंच जाता है। आप देख सकते हैं बेटा, अब ये भी उत्तेजित होगा और ये भी इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करेगा और यहां पे मैं लिख देता हूं PS फर्स्ट, ठीक है ना। अब आगे चलिए, अभिक्रिया केंद्र P700 से यह इलेक्ट्रॉन ए FES और फेराडॉक्सन, सबसे पहले तो AFES जो पहले अपन ने लिखा था, उसके बाद में फेराडॉक्सन, ठीक है। सबके बीच में आपको टू इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, और यहां पे भी आप टू इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे, ठीक है ना। आगे चलिए, फेराडॉक्सिन से होते हुए NADP द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। अब यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण कर लिए बेटा, NADP ने, और क्या बना दिया, NADPH2, ठीक है बेटा। अब आगे चलिए, NADP जल के वियोजन से प्राप्त 2H+ को ग्रहण करके अपचयित हो जाता है। देखो ये 2H+ यहां से जाएंगे और इनको ग्रहण करेगा कौन, NADP, और NADP इनको ग्रहण करके निर्माण कर देगा किसका, NADPH2 का। चूंकि उपरोक्त क्रिया में PS सेकंड के अभिक्रिया केंद्र, आप देख सकते हैं PS सेकंड के अभिक्रिया केंद्र P680 से उत्सर्जित हुआ इलेक्ट्रॉन पुनः P680 पर न आकर, ठीक है, PS फर्स्ट के अभिक्रिया केंद्र P700 पर पहुंच जाता है। अतः इस प्रक्रिया को, इस संपूर्ण प्रक्रिया को अचक्रिय फोटोफास्फोरिलीकरण कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, इलेक्ट्रॉन के अभिगमन के दौरान वही साइटोक्रोमों के मध्य आपको ना ATP अणुओं की उत्पत्ति कर देनी है, ठीक है। अब आप एक चीज यदि गौर करें तो देखो, एक लाइन तो ये बन गई, एक लाइन बेटा ये बन गई और एक लाइन बेटा ये हो गई। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बनी ये किसके समान बनी, जेड के समान। तो इस परिकल्पना को जेड स्कीम भी कहा जाता है। अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को जेड स्कीम भी कहते हैं। इस चक्र में इलेक्ट्रॉन के अभिगमन से अंततः है, देखो, 2 मोल NADPH2, क्या 2 मोल NADPH2 और 1 मोल ATP, यहां लिख देता हूं 2 मोल तो NADPH2 और 1 मोल ATP, ये प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। ATP को ये आपको मैं बता देता हूं, ये जो ATP बना इसको तो स्वांगीकारी शक्ति, और ये जो NADPH2 बना इसको बेटा अपचायक शक्ति कहते हैं, अपचायक शक्ति। और इन्हीं दोनों का उपयोग करके अचक्रिय फास्फोराइलेशन की क्रिया में, अचक्रिय फास्फोराइलेशन में ये दोनों बन गए,
इन्हीं दोनों का उपयोग करके अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है CO2 के अपचयन से। एक्चुअल में प्रकाशिक अभिक्रिया के अंत उत्पाद ये दोनों हैं, ATP भी है और NADPH2 भी है, और ये उत्पाद जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के हैं ये अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रयुक्त किए जाते हैं CO2 के अपचयन हेतु। तो बेटा आज आपको मैंने एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट प्रश्न समझाया कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं और प्रकाश फास्फोरिलीकरण के प्रकार क्या हैं। ठीक है, कल फिर अपन पढ़ेंगे चक्रीय और अचक्रीय फोटोफास्फोराइलेशन में डिफरेंसेस और अप्रकाशिक अभिक्रिया को स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद।